हेलो स्टूडेंट, पीटीसी क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक लेक्चर और लेकर आया हूँ, क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 सॉल्यूशन। इसके पहले मैं इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज 1.1 के वीडियो बना चुका हूँ स्टूडेंट, तो उसको ज़रूर देखिए, फिर इसके बाद इसको देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए चलते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बोला है कि प्रत्येक नंबर को ऐसे एक्सप्रेस करिए जिसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो आप प्राइम फैक्टर, फैक्टर तो जानते हैं किसी का मल्टीपल, लेकिन प्राइम मतलब क्या होता है, जिसके दो फैक्टर मिलते हैं, और सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, 2 है। ठीक, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे जाते जाएगा। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर है 140। अब चलिए 140 को क्या करना है, प्राइम फैक्टर में लाना है। तो देखिए 140 है ये, देखिए सबसे पहले आपको डिसबिलिटी रूल आना चाहिए इसके लिए। यहाँ क्या है, 0, तो हम देख सकते हैं कि 2 से कटेगा, ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 7 जा 14 और 2 0 जा 0, फिर नेक्स्ट फिर 2 से, तो 2 3 जा 6 और 1 बचा, 2 3 जा 6 और 7 माइनस 6 कितना हो गया, 1, तो 10 बचा, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10। अब ये किससे कटेगा, 3 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 3 8 होता है, 4 से नहीं जाएगा, अब क्या, 5 से, तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7 ये हो जाएगा। तो अब देखिए 140 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 140 इक्वल 2 × 2 × 5 × 7। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, 2 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 और 5 × 7, दिस इज योर आंसर। ओके, अब देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 156। ठीक, 156 को देखिए कैसे जाएगा, डिवाइड होगा, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा। तो देखिए 2, सबसे पहले 6 है यहाँ, तो किससे जाएगा, 2 से। ठीक, तो 2 से 2 7 जा 14 और कैरी 1 आएगा, तो 16 बन जाएगा, तो 2 8 जा 16। अब यहाँ फिर से 2, क्योंकि लास्ट में क्या है, 8 है, तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब देखिए यहाँ से किससे, अब 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, अब 9 है, तो यहाँ से 3 और 9 3 9 को ऐड करेंगे तो 12 होगा, और 3 से कट जाएगा, तो ये देखिए 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब किससे जाएगा स्टूडेंट, 13 और 13 1 जा 13। अब इसके आगे क्या कर देंगे, स्टॉप। तो देख लीजिए 156 जो है, 156 क्या है, 2 × 2 × 3 × 13। तो देख सकते हैं 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 और 3 × 13 हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 3 8 2 5। तो देखिए 3 8 2 5, अब यहाँ से देखिए सबसे पहले 2 से तो जाएगा नहीं, डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में यूनिट प्लेस में क्या, 0 2 4 6 8 नहीं है। अब देखिए 3 से चेक करते हैं, 3 और 8 क्या हो जाएगा, 11 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13 और 13 और 5 18। तो 18 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 से कट जाएगा, किससे, 3 से डिविजिबल होगा, तो चलिए 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 क्या बचा, 2 बचा और ये 22, तो 3 7 जा 21 और 1 और ये 5, तो 3 5 जा 15। अब देखिए किससे जाएगा स्टूडेंट, फिर देख लेते 7 5 12 और 2 14 और 1 5 15 भी कट जाएगा, तो 3 से, तो 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 3 5 जा 15। अब देखिए किससे कटेगा, 4 और 2 6 होगा और 6 और 5 11, अब नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा, 5 से, किससे डिवाइड होगा, 5 से, तो 5 8 जा 40 और 2 बचा और 5 5 जा 25। अब देखिए किससे जाएगा स्टूडेंट, 8 5 कितना होता है, 13, अब 5 से ही जाएगा, देखिए 5 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, अब ये 17 बचा, तो 17 1 जा, तो कितना आ जाएगा, 1। अब देखिए इसका क्या आ चुका है, 3 8 2 5 का 3 × 3 × 5 × 5 × 17 कितना, ये देखिए 3 × 3 × 5 × 5 × 17,
तो क्या हो जाएगा, थ्री को कितने टाइम्स, टू टाइम्स, तो थ्री के पावर टू और फाइव के पावर टू और सेवनटीन, कितना 17, दिस इज योर आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर फोर है, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, 5005। तो चलिए 5005 5005, ये देखिए लास्ट यूनिट प्लेस में क्या 0 2 4 6 8 तो है नहीं, तो ये किससे डिविजल हो जाएगा, इसलिए 5 से देखेंगे, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, तो 5 से, 5 1 जा 5, अब ये 0 और 0 और 5 1 जा 5। अब देखिए ना तो 2 से हो रहा है ना तो 3 से हो रहा है, क्योंकि 1 और 2 3, और 4 से भी नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, और जब 2 और 3 से नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा। तो अब देखिए 7 से एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि 7 में क्या होता है कि 7 3 जा 21 होता है, और लास्ट में 1 है, तो एक बार 7 से चेक कर ले, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, क्योंकि क्या बच रहा है यहाँ पे 3 और 3 30, तो 7 4 जा 28, फिर 2 अच्छा 7 3 जा 21 143। तो अब देख लीजिए 3 और 1, अब देखिए ना तो 2 से जा रहा है, ना तो 3 से, ना तो 4, ना 5, ना तो 6 और ना ही 7 से, ना तो 8, ना तो 9, अब 10 से भी नहीं जाएगा। अब 11 देख लीजिए, 3 और 1 4 और -4, तो 11 से जाएगा, तो 11 1 जा 11 और क्या बचा 3, तो 11 3 जा 13, अब ये किससे जाएगा 13 से, 13 1 जा 13। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा यहाँ से 5005 का 5 × 7 × 11 × 13, यही क्या होगा आंसर होगा इसका। ठीक, ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5 है 7429। अब देखिए 7429 किससे कटेगा, यहाँ से 2 से तो कटेगा नहीं, अब 3 चेक कर लेते हैं, 4 और 7 11 11 2 13 और 13 और 7 20 और 22 भी नहीं कटेगा 3 से, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं कट रहा है, 8 9 10 11 11 से भी नहीं जा रहा है, ठीक 12 13 14। अब देखिए 9 है तो हो सकता है 17 से कट सकता है, 17 से काटते हैं, देखिए 17 क्या हो जाएगा, 17 4 जा 68, ठीक 17 4 जा कितना हो जाएगा 68, और 17 5 जा 85 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 4 जा 68, तो 74 में 68 माइनस करेंगे तो 14 में 8 गए तो 6, और यहाँ से क्या उतर आएगा 2, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 4 जा 68 ज़्यादा हो जाएगा 17 3 जा 51, 17 3 जा 51 माइनस करेंगे 2 1 में जाएगा तो 1 और 6 में 5 जाएगा तो 1 11 आ जाएगा, अब क्या बचा 19, और 17 7 जा 119 होता है, तो 17 7 119, ठीक। अब ये देखिए 17 से तो कट गया, अब यहाँ पे गुंजाइश लास्ट में देखिए 19 के टेबल में 7 आता है कहीं पे, तो देखिए 19 करते हैं, 3 2 जा 38 38 में से तो यहाँ 5 बचेगा और 7 19 3 जा 27, और एक किससे कट जाएगा 23 से, 23 1 जा 23। तो आप देखिए 7429 का क्या हो जाएगा 17 × 19 × 23, दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ठीक, यहाँ पे दिए गए हैं पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, मतलब दो इंटीजर दिए हैं, इनका क्या निकालना है हमको, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, और हमें जांच करना है, चेक करना है, वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होना चाहिए, तो हम क्या जाँच कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, तो चलिए 26 को सबसे पहले हम क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ देते हैं, 2 से कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 6, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, फिर आप देखिए कुछ नहीं जाएगा, 13 प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। इसी तरह 91 को देख लीजिए, 91 भी, अब 91 किससे कटेगा देख लीजिए, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 5 6 7
देख लीजिए सेवन के टेबल में आ जाता है, सेवन वन जा सेवन और कैरी बचा टू और 21 हुआ तो कितना हो जाएगा, सेवन थ्री जा 21 तो 13 टाइम्स में, और 13 वन जा 13 क्योंकि 13 भी प्राइम नंबर है तो किसी से नहीं कटेगा, ऑड नंबर है तो 13 वन जा 13। तो अब देखिए 26 का क्या आ चुका है, 2 इंटू 13, और 91 का क्या आ चुका है यहाँ पे 7 इंटू 13। तो आप देख सकते हैं इसमें LCM, सबसे पहले क्या HCF निकाल लेते हैं, HCF ऑफ 26 एंड 91 का क्या हो जाएगा, जो कॉमन होगा वही क्या कहलाता है HCF। अब देखिए 26 और 91 का फैक्टर क्या कॉमन है, 13 कॉमन है तो 13 ही क्या कहलाया जाएगा HCF। और अब देखिए LCM निकालना है, LCM कैसे निकालते हैं टू नंबर्स का, 26 और 91 का LCM देखिए, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है और जो कॉमन नहीं है उसको पूरा लिख देना है। तो देखिए 2 यहाँ पे कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है और 13 कॉमन है तो 1 टाइम्स, और इनको सबको क्या कर देंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर देंगे तो LCM और LCM आ जाएगा। तो देख लीजिए 2 7 जब 14 और 14 का मल्टीप्लाई 13 से हो जाएगा, 14 का मल्टीप्लाई 13 से तो 4 3 जब 12 की 2 कैरी 1 और 4 और 1 5 और 3 और 1 2 5 3 8 और 1 182 कितना आ गया LCM, 182 LCM आ गया। ठीक, LCM 182 आ गया। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं क्या है फॉर्मूला, LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक, LCM कितना है 13 और HCF, सॉरी LCM है 13, HCF है 13 और LCM कितना है 182, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो जाएगा देख लीजिए 26 इंटू 91 हो जाएगा, देख रहा। ठीक, 26 इंटू 91 हो जाएगा। आप सबसे पहले 182 को किससे मल्टीप्लाई कर दे, 13 से, तो 182 इंटू 10 हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टू जा 6 और 3 8 जा 24 की 4 कैरी 2 और 3 और 2 5 हो जाएगा, 6 6 8 5 13, 1 और 2 मतलब कितना आ चुका है 2 3 6 और 6। इधर देखते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको कर देते हैं 26 को 90 से और फिर प्लस कर देंगे 26, तो 0 और 9 6 जै 54 की 4 कैरी 5, 9 2 जै 18, 18 और 5 23 और 26 प्लस कर देते हैं तो 6 6 3 और 2 तो कितना आ चुका है 2 3 6 6। देख लिए LCM और HCF का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आ चुका है, सेम आ चुका है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हम LCM और HCF निकाली है हमारा क्या है, वेरीफाई हो चुका, सेटिस्फाई हो चुका है। तो ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 510 एंड 92। तो सबसे पहले हम 510 का क्या निकाल लें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यूनिट प्लेस में क्या है स्टूडेंट, जीरो है इसलिए 2 से डिवाइड होगा तो 2 2 जा 4 और कैरी 1 बचा तो 11, 2 5 जा 10 हो जाएगा और 1 बचा तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब 2 से तो नहीं जा रहा, अब देखिए किससे कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, चलिए 5 5 10 और 2 12 मतलब 3 से, तो 3 8 जा 24 कैरी कितना बचा 1 और 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब देखिए 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, अब ये नहीं हो रहा, अब देखिए किससे हो सकता है, ये 5 से हो जाएगा, देखिए 5 1 जा और 5 7 जा 35, अब ये प्राइम नंबर है 17, ऑड नंबर है तो किसी से नहीं कटेगा, 17 1 जा 17 तो 510 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब देखिए 92 का निकाल लेते हैं, 92 इसके भी यूनिट प्लेस में कितना है 2, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हम 2 के टेबल में, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा और 1 आएगा 2 6 जा 12 हो जाएगा, फिर 2 से 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब देख लीजिए 23 आ गया और 23 प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है जो किसी से नहीं कटेगा, खुद से कटेगा, तो 23 1 जा 23, तो
तो यहाँ देखिए 92 को क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 23। तो सबसे पहले एलसीएम देखिए, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ एलसीएम जो भी निकाल रहा हूँ, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 510 एंड 92। तो देखिए जो कॉमन है उसको वन टाइम्स लिखना, 2 और 2 कॉमन है तो 2 एक बार, फिर 2 है और फिर 3 है, फिर 5 है और फिर 17 है और फिर 23 है। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट तो एलसीएम निकल आएगा। तो देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और 12 × 5 = 60। अब 60 का मल्टीप्लाई किससे कर दें, 17 से, तो 0 हो जाएगा, 17 × 6 = 102, 102 मतलब 1020 आ गया। अब 1020 को 23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0, 3 × 2 = 6, 0 और 3, यहाँ 0, 2 × 2 = 4, 0 और 2 × 1 = 2, 0, 6, 4, 3 और 2 कितना आ चुका है एलसीएम, 2, 3, 4, 6, 0। तो हम कह सकते हैं कि एलसीएफ 23,460 आ गया। अब देखिए एचसीएफ हमें चेक करना है, एचसीएफ क्या आ रहा है इसका, एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। एचसीएफ 510 एंड 92 का क्या हो जाएगा, देखिए जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, कॉमन केवल और केवल 2 है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अब वेरीफाई करते हैं हम, वेरीफाई का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम कितना है, 23460 और एचसीएफ कितना है 2। यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना हो जाएगा, देखिए प्रोडक्ट टू नंबर 510 × 92 को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिए सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, 0, 2 × 6 = 12 के 2 कैरी 1, 2 × 4 = 8 और 1 9, 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 510 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे, 510 को हम कैसे मल्टीप्लाई कर दें, 90 से और प्लस कर देंगे 510 को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए यहाँ 0 और 1 = 0, 9 × 1 = 9 और 9 × 5 = 45 और ये 0 और 2 और 5 = 10, प्लस कर दीजिए 0, 2 और 10 को, तो 0, 2, 9, 5, 1, 6 और 4, तो कितना आ चुका है 4692। तो देखिए स्टूडेंट 46920 एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का भी 46920 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह वेरीफाई हो गया कि दो नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ये लास्ट क्वेश्चन है, 336 एंड 54, सेम प्रोसेस जो हमने दो क्वेश्चन में लगाए हैं उसी को 336 और 54। सबसे पहले 336 का वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 336 लास्ट में 6 है तो किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से, 2 × 1 = 2, कैरी बचा 1 और 13 हुआ, 2 × 6 = 12 और 2 × 8 = 16। अब देखिए फिर से किससे, लास्ट में 8 है तो 2 से, 2 × 8 = 16 और 2 × 4 = 8, फिर ये किससे, 2 से, 2 × 4 = 8 और 2 × 2 = 4। अब लास्ट में 2 है तो फिर 2 से, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। अब देखिए 21 आ गया, 21 आया तो अब देख सकते हैं कि 2 से तो जाएगा नहीं, तो 2 और 1 कितना होता है 3, और 3 इजीली 3 को डिवाइड करता है तो 3 से करेंगे, 3 × 7 = 21 और 7 × 1 = 7 हो जाएगा। तो देखिए 336 का क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। अब देखिए 54 का ऐसे ही निकाल लेते हैं, 54 का क्या होता है, अब ये भी आप जानते हैं कि यूनिट प्लेस में 4 है तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 × 2 = 4 और 2 × 7 = 14। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में क्या है 7, तो 7 और 2 = 9 हो जाएगा, तो 3 से इजिली डिवाइड होगा, 3 × 9 = 27 और 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3 हो जाएगा। तो देखिए 54 का क्या हो जाएगा, 54 का हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ ऑफ टू नंबर 336
एंड 54। तो एच सी एफ देखिए जो कॉमन है वो एच सी एफ है, यहाँ पे 2 कॉमन है और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है केवल, 2 और 3। तो 2 × 3 जो कॉमन है वही एच सी एफ कहलाएगा दोनों नंबर्स में। तो 2 × 3 जा कितना, 6, तो 6 हो गया एच सी एफ। अब एल सी एम देख लेते हैं 2 नंबर का क्या होता है। एल सी एम 3, 3, 6 एंड 54 का एल सी एम कितना हो जाएगा, जो कॉमन है उसको एक बार राइट करना और जो कॉमन नहीं है उसको पूरा लिखना है। तो देख लीजिए 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, यहाँ से कितना 2 है देख लीजिए, 1, 2, 3, 3 2 को राइट करेंगे, 2 × 2 × 2 और 1, 3 जो कॉमन था वो, और 2, 3 और राइट करेंगे। इसके बाद देख लीजिए 2, 3 हो गया, अब 7 बचा तो 7 को भी राइट करेंगे। चलिए जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 3 = 48 और 48 × 3, 3 × 8 = 24, कैरी 2 और 3 × 4 = 12 और 2 = 14, तो 144। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 = 12 = 2, कैरी 1, 3 × 4 = 12 और 1 × 13 = 3, कैरी 1, 3 और 1 = 4, 432। अब 432 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 7 से, 7 × 2 = 14, कैरी 1, 7 × 3 = 21 प्लस 22 = 2, कैरी 2 और 7 × 4 = 28 और 2 = 30। तो कितना एलसीएम आ चुका है, 3024 एलसीएम आ चुका है। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए, तो अब क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए तो अब वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई का फॉर्मूला लिखा ही है, क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम कितना है हमारा 3024 और एचसीएफ कितना है, 6 है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स क्या है देखिए, 3, 3, 6 और 54 है। तो 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 4 = 24 की 4, कैरी 2 और 6 × 2 = 12 और 2 × 14 की 4, कैरी 1, 6 × 0 = 0 और ए 1 और 6 × 3 = 18, कितना आ गया, 6 × 3 = 18, 18144 आ गया, 18144। अब देखिए इसको ही मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 18144 आना चाहिए। चलिए 336 को 54 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 336 को हम सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से करेंगे और फिर 336 का मल्टीप्लाई हम 4 से कर लेंगे इजी बनाने के लिए और फिर ऐड कर देंगे, 0, 5, 6 = 30 की 0, कैरी 3 और 5 × 3 = 15 प्लस 3 × 18 = 8, कैरी 1, 5 × 3 = 15 और 1 = 16। और यहाँ से देख लीजिए 6 × 4 = 24, कैरी 2, 3 × 4 = 12 प्लस 14 = 4, कैरी 1 और 4 × 3 = 12 और 1 = 13। दोनों को ऐड कर देते हैं 13, 44 को, तो 4, 4, 8, 3, 11 की 1, 6 और 1 = 7 और 1 = 8 और 1 = 8। तो देख लीजिए क्या आ चुका है हमारे पास, 18144 आ चुका है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का सेम आ चुका, तो हम क्या कह सकते हैं, ये वेरीफाई हो चुका। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट बी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाई अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ इन नंबरों को निकालना है किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके एलसीएम और एचसीएफ निकाला और उसके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब वेरीफाई भी करके दिखाया। अभी सिर्फ और सिर्फ हमको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट है 12, 15 एंड 21। देखिए 12 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 12 का प्राइम फैक्टर होगा, देखिए इसके यूनिट प्लेस में 2 है स्टूडेंट, तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से, तो 2 × 6 = 12 और 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3। तो देखिए 12 का कितना हो गया है हमारे पास, 2 × 2 × 3। अब 15 का इसी तरह देख लीजिए, 15 का 2 से नहीं जाएगा, किसे जाएगा, 3 से, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 तो है नहीं, 5 है, 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। इसी तरह 21 का देख लीजिए, 21 का 2 से
टू से जाएगा नहीं, थ्री से, थ्री सेवन जा 21 और सेवन वन जा 7, तो 21 का क्या आ चुका है हमारे पास 3 × 7। अब देखिए एच सी 12 का और 15 का तो राइट नहीं किए, 15 का राइट कर लेते हैं। 15 का कितना है 3 × 5 और 21 का कितना है 3 × 7। अब देखिए सबसे पहले क्या एलसीएम, एलसीएम की बात किया है, एलसीएम ऑफ थ्री नंबर 12, 15 एंड 21। तो एलसीएम देखिए जो कॉमन है उसको वन टाइम से निकला है। अब देख लीजिए कॉमन इन तीनों में से क्या है, थ्री, थ्री को एक बार लिखना है और टू है तो टू टू और फाइव और सेवन। देख लीजिए 3 × 6, 6 × 12 और 12 × 5 = 60 और 60 × 7 = 7, 6 × 42 तो 420। एलसीएम कितना आ गया है 12, 15 और 21 का 420। अब एच सी एफ देखिए, एच सी एफ ऑफ थ्री नंबर 12, 15 एंड 21। एच सी एफ देखिए क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसको वन टाइम्स लिखना है, तो थ्री कॉमन है तीनों में तो एक बार लिखे बस, तो यही क्या कहलाएगा एच सी एफ कहलाएगा। तो एच सी एफ ऑफ 12, 15 एंड 21 का 3, दिस इज़ योर आंसर। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 17, 23 एंड 29। तो देखिए इनका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। अब देखिए ये खुद में क्या है, ये प्राइम नंबर है, देखा जाए तो 17, 23, 29 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो कहलाते हैं जिनके वन और इटसेल्फ नंबर इटसेल्फ फैक्टर हो। तो देखिए 17, तो 17 किससे डिवाइड होगा, 1 × 17 ही होगा। 23 को देख लीजिए 1 × 23 हो जाएगा और 29 को देखिए 1 × 29। तो अगर मैं कहूँगी एच सी एफ ऑफ थ्री नंबर 17, 23 एंड 29 क्या हो जाएगा, एच सी एफ कॉमन क्या है, वन कॉमन है केवल, तो क्या हो जाएगा एच सी एफ वन। एल सी एम बोला जाए तीनों नंबर का 17, 23 एंड 29 का, इनको क्या कर दीजिए, तीनों को मल्टीप्लाई 17, 23 एंड 29। वन तो कॉमन है तो वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। अब 17, 23 और 29 का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल सी एम आ जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले 23 का मल्टीप्लाई 17 से कर देते हैं, तो 23 का 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 × 3 = 21 कैरी 2 और 7 × 2 = 14 + 2 = 16, तो 161 को क्या कर देते हैं प्लस, तो कितना आ जाएगा 1639 और 2 और 1 3, 391। अब 29 को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो अपन 30 से मल्टीप्लाई करके 29 क्या कर देंगे माइनस, तो 0, 3, 9 × 3 = 27 कैरी 2 और 3 × 3 = 9, 2, 11 और माइनस कितना कर देते हैं यहाँ पे 391 को, 391 को माइनस कर दीजिए, 10 में 1 गए 9 और 12 में 9 गए 3 और 6 में 3 गए 3, 11, 3, 3, 9 देखिए क्या आ रहा है 11, 3, 3, 9। तो ये आंसर होगा स्टूडेंट एच सी एफ 1 और एल सी एम 11, 3, 3, 9, दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट। एंड लास्ट क्वेश्चन 8, 9 एंड 25, इट इज़ योर होमवर्क। इसको आप होमवर्क के रूप में लीजिए और कॉपी में सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए स्टूडेंट, और जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।